चैनल बंसर बायो जी आज का जो वीडियो है इसमें हम सी ऑर्च इन फर्टिलाइजेशन का पार्ट थ्री देखने वाले हैं पहले के जो दोनों पार्ट है उनका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस और आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखने वाले प्रिवेंशन ऑफ पॉलिसफॉर्म इन इन सी ऑर्चिन अगर हम यहाँ पे देखें वॉट इज पॉलिसफॉर्मी समझो मेरे पास यहाँ पर अगर एक एग प्रेजेंट है और एक ए इस एग से एक से ज्यादा स्पॉम अगर आके फर्टिलाइज कर देते हैं तो इसको बोला जाता और यहीं पे अगर मैं बात करूं तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मोनोस्पोमी मोनोस्पोमी के कंडीशन में क्या होता है कि जो सिर्फ एक एग है उससे सिर्फ और सिर्फ एक स्पोमी आके फर्टिलाइज करता है और हम क्या चाहेंगे या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या चाहेगा कि मोनोस्पोमी हो अगर हम यहाँ पे देखिए तो सी और ऐसा क्यों नहीं चाहता कि उसमें पॉलिसपोमी ना हो उसके रीजन क्या जैसे कि समझा अगर मैंने कहा पॉलिसी हुई तो पॉलिसपोमी की वजह से अभी मैं ले रही हूं कि यहां पे कितने स्पॉर्म की एंट्री हुई यहाँ पे दो स्पॉर्म की एंट्री हुई है अगर दो स्पॉर्म एंटर होंगे तो ऑब्वियसली बातें उनके दोनों के न्यूक्लियस की भी आएंगे तो यहां पर मैं बोल सकती हूँ दो प्रो न्यूक्लियस यहां पर आएंगे दो न्यूक्लियस यहां पर आ चुके हैं किसके अंदर एक के अंदर और एक के पास एक खुद का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा तो यहां पर यहाँ पे प्लस एक न्यूक्लियस किसका हो जाएगा यहां पे एक का हो जाएगा तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा यहाँ पे तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक ही सेल में तो मैं क्या बोल सकती हूं यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो, हो गई ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो गई जनरली यहाँ पे क्या होता है एक स्पॉम से आता है एक, एक का होता है डिप्लॉइड कंडीशन होती है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो गए दो यहाँ पे स्पॉम से न्यूक्लियस आ चुके हैं और एक यहाँ पे एक का प्रेजेंट है अब अगर आपको शायद पता होगा कि जब यहाँ पे स्पॉम आता है तो स्पॉर्म सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस नहीं देता एक को उसी के साथ साथ स्पॉम सेंट्रियोल भी देता है तो यहां पर एक स्पॉम से एक सेंट्रियोल आएगा तो दो स्पोम से दो सेंट्रियोल आएंगे तो यहां पे कितने आएंगे दो सेंट्रियोल आएंगे ये दोनों सेंट्रियोल क्या करेंगे डिवाइड होंगे इसकी वजह से चार सेंट्रियोल बन जाएंगे एग के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं जाइगोट के अंदर जहां पे सिर्फ दो सेंट्रियोल होने चाहिए थे वहां पे चार सेंट्रियोल हो चुके हैं देखो नॉर्मली अगर हम कंडीशन देखे तो किस तरीके से होते है जैसे मैंने बोला इस तरीके से यहाँ पे तो यहाँ पर एक होता है अठारह क्रोमोसोम और एक एक न्यूक्लियस के पास है अठारह क्रोमोसोम समझो एक जो है

दिक्कत होती है यहाँ पे ये सारी कंडीशन बिल्कुल आराम से हो सकती थी यहाँ पे बिल्कुल आराम से ये जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम है नॉर्मली डिवाइड हो सकता था लेकिन अब कंडीशन क्या है अब कंडीशन कुछ ऐसी है कि यहां पे अठारह अच्छा क्रोमोसोम प्रेजेंट है यहां पे अठारह क्रोमोसोम प्रेजेंट है यहां पे अठारह क्रोमोसोम प्रेजेंट है यानी कि तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है अब तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की वजह से इसका सेंट्रियोल भी आ चुका है और इसका सेंट्रियोल भी आ चुका है दो सेंट्रियोल आ चुके हैं इसकी वजह से अब टोटल कितने क्रोमोसोम्स है है इंस्टेड ऑफ थर्टी सिक्स क्रोमोसोम और यहां पर इंस्टेड ऑफ दो सेंट्रियोल कितने हो चुके हैं चार सेंट्रियोल हो चुके हैं क्योंकि सेंट्रियोल ने भी डुप्लीकेशन कर लिया

तो पहली बात ये इक्वली डिवाइड ही नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अनइक्वल इक्वल चलेगा क्यों क्योंकि ऐसा हो रहा है यहां पर क्योंकि एक जो सेंट्रियल होगा वो यहाँ पे होगा एक सेंट्रियल यहां पे होगा एक सेंट्रियल यहाँ पे होगा एक सेंट्रियल यहाँ पे होगा सब अपनी तरफ क्रोमोसोम खींचने की कोशिश करेंगे तो समझो अगर हम यहाँ पे देखिये बारह क्रोमोसोम इन दोनों के बीच में आ गए समझो यहां पर जो छह क्रोमोसोम है वो इन दोनों के बीच में आ गए समझो यहाँ पे अठारह क्रोमोसोम इन दोनों के बीच में आ गए वहीं अगर मैं बोलू फोर्टीन क्रोमोसोम इन दोनों के बीच में आ गए और फोर क्रोमोजोम इन दोनों

बट इंस्टेड यहाँ पे तो कुछ अलग ही चीज हो रही है जिसकी वजह से ये जो था ये होता है नॉर्मल जो सर्वाइव करना चाहिए था और ये होता है एबनॉर्मल अब मर जाएगा तो अब हमें ये नहीं चाहिए तो सी ऑर्चिन को ब्लॉक करने के लिए दो चीजें करेगा एक वो करेगा फास्ट ब्लॉक और एक वो करेगा स्लो ब्लॉक पॉलिसी फास्ट ब्लॉक पॉलिसमी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही इस ने एंट्री मारी एग में वैसे ही ये पॉलिसी रोकने की कोशिश करेगा तो इस कंडीशन में क्या है समझे यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से ये एग प्रेजेंट है और इस एग में मैंने क्या कहा कि इस एग की अभी फर्टिलाइजेशन हुई है यहाँ पे जस्ट अभी अभी यहाँ पे कौन आया स्पॉम इस तरीके से आया अगर स्पॉम यहाँ पर एक आया है तो ये स्पॉम अपना कंटेंट भी इधर रिलीज करेगा थोड़ा यहाँ पे क्या करेगा कंटेंट रिलीज करेगा तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर एग में क्या आ चुके हैं स्पॉम के केमिकल आ चुके हैं एक बार अगर स्पॉम के केमिकल एग में आ गए तो वो ना मैसेज देते हैं वो किसको मैसेज देते हैं वो यहां पर मैसेज देते हैं सोडियम चैनल को जो कि एग पे प्रेजेंट है सोडियम चैनल उनको ये मैसेज देंगे और बोलेंगे तुम ओपन हो जाओ अगर यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन होंगे ना तो हमेशा याद रखना सेल के अंदर सोडियम का कंटेंट कम होता है और सेल के बाहर सोडियम का कंटेंट ज्यादा होता है तो सोडियम कहां से मूव करेंगे सोडियम बाहर से अंदर मूव करेंगे अगर सोडियम बाहर से अंदर मूव कर रहे हैं तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली मैं बोल सकती हूँ कि सेल के अंदर क्या आ रही है पॉजिटिविटी आ रही है तो अगर हम नॉर्मली सेल के अंदर का पोटेंशियल देखें ना तो वो कितना होता है माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट होता है नॉर्मली हम ये बोल रहे हैं इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेमब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल जो कि किसी भी सेल के अंदर नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होता है अब ये जो पोटेंशियल है पॉजिटिव में होने लगेगा क्योंकि क्या अंदर आ चुका है सोडियम अंदर आ रहे हैं तो ये शिफ्ट हो जाएगा प्लस ट्वेंटी मिली वोल्ट पर अगर प्लस ट्वेंटी मिली वोल्ट पर यह शिफ्ट हो गया ना तो कोई भी स्पर्म ऐसे एक के साथ फ्यूज ही नहीं हो सकता जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव में है जिसका पोटेंशियल 20 मिली वोल्ट है तो यहां पे कोई भी स्पर्म इसके साथ इस एक् के साथ फ्यूज ही नहीं कर पाएगा लेकिन यहां पर सिर्फ छोटी सी दिक्कत है ये जो रहता है ना प्लस ट्वेंटी मिलीवोट इट ओनली स्टेज फॉर वन मिनट यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ वन मिनट पे ही रहेगा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा तो यहां पर ये जो है शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है उसके विद इन थ्री सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि एक मिनट के बाद तो यहाँ पे फिर ऑर्सपॉम्स आ सकते हैं और फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं तो फिर से पॉलीफर्टिलाईजेशन हो जाएगी हो हो जाएगी हो जाएगी तो फिर से हमें ऐसे सेल्स मिलेंगे जिनके पास अनइक्वल क्रोमोजोम होगा तो ये तो हम चाहते हैं नहीं है तो हम ऐसी क्या कंडीशन करें जिससे यहाँ पर ऐसी कंडीशन ना हो तो वो हम देख लेते हैं सबसे पहले अगर मैं इसका एक ग्राफ बना के दिखा दू आपको जो अभी फास्ट पॉलिसफॉर्मी हमने देखी है उसका ग्राफ बना लेते हैं समझे यहां पे मैंने टाइम लिखा जीरो सेकंड ट्वेंटी सेकेंड्स फोर्टी 60 80 इस तरीके से मैंने टाइम लिखा ये जो टाइम यहाँ पे लिखा है मैंने सेकंड में लिखा है Y एक्सिस पे टाइम है और Y एक्सिस पे समझो मैंने यहाँ पे लिखा पोटेंशियल कितना है तो माइनस हंड्रेड माइनस फिफ्टी जीरो प्लस फिफ्टी और यहां पे मैंने लिख दिया प्लस हंड्रेड इस तरीके से मैंने पोटेंशियल लिख दिया तो सबसे पहले जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो हमें पता है माइनस सेवेंटी के आसपास होता है इस कंडीशन में मैंने जस्ट पे क्या किया हमने स्पॉम को ऐड करवाया जो भी सॉल्यूशन है जिसमें भी सीएचन प्रेजेंट है उसमें हमने सिर्फ ऐड करवाया अब थोड़ी देर बाद क्या होगा समझे थोड़ी देर बाद स्पर्म और एग का इंटरेक्शन हो जाएगा किसी भी एक स्पर्म का एग के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा जैसे ही यहाँ पे इंट्रैक्शन हो जाएगा वैसे ही जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा और कहाँ तक पहुंच जाएगा प्लस ट्वेंटी मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से वो प्लस ट्वेंटी मिलीवोल्ट रहेगा रहेगा फिर कुछ टाइम बाद क्या जाने लगेगा फिर से वो नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी कंडीशन चलती है तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे हम सिर्फ फास्ट ब्लॉक पॉलिसमी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते यहाँ पे हमें कोई और प्रोसेस भी रखना पड़ेगा और इसका नाम होता है स्लो ब्लॉक पॉलिसपॉमी यानी कि ऐसा प्रोसेस जो कि थोड़ी धीरे आराम से शुरू होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा रोकने के लिए पॉलिसपोमी को तो यहां पर कहानी की शुरुआत कहां से होगी फिर से समझिए इस तरीके से हमारे पास ऐसे एक प्रेजेंट है हमें पता है एग की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन और जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बाहर जो जेली कोट थी उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा स्पॉर्म के द्वारा तो यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट होती है विटेलाइन मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर प्रेजेंट होती है इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब यहाँ पर हमने लास्ट सेक्शन जो था पार्ट जो सेकेंड था इस सीरीज का उसमें हमने देखा था इस तरीके से यहाँ पे स्पॉम आया था स्पॉम के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट था स्पॉम के पास पर प्रेजेंट था एक प्रोटीन जिसका नाम था बाइंडिंग प्रोटीन ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है इसने इंटरैक्ट किया था यहाँ पर प्रेजेंट एक रिसेप्टर के साथ जो कि विटेलाइन विटेलाइन मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है इसका नाम क्या था ई बी आर रिसेप्टर अब यहाँ पे क्या होगा यहां पर जब आपको स्लो ब्लॉक करनी है तो ईबीआर एक्टिवेट हो जाएगा एक बार यहां पर ईबीआर एक्टिवेट हो गया तो ये किसको मैसेज देगा ये यहाँ पे जी प्रोटीन को मैसेज देगा एक बार यहाँ पे जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा तो जी प्रोटीन किसको मैसेज देगा जी प्रोटीन टीके को मैसेज देगा टीके यहाँ पे क्या है टीके यहाँ पे है टाइरोसिनकाइनेस एक बार यहां पे टाइरोसिन काइनेस को मैसेज मिल जाएगा तो टाइरोसिन काइनेस किसको एक्टिवेट कर देगा पीएलसी को एक्टिवेट कर देगा पीएलसी यहां पे क्या होता है फॉस्फोलाइपेस फॉस्फोलाइपे सी नाम से पता चल रहा है क्या है एंजाइम है एंजाइम का तो काम ही होता है चीजों को तोड़ना तो ये किस पे एक्ट करता है ये एक्ट करेगा पी आई पी टू नामक मॉलिक्यूल को पी पी टू को दो चीजों में तोड़ेगा एक तो तोड़ेगा डी जी में जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही रहेगा और एक को तोड़ेगा आईपी थ्री में बनाएगा आईपी थ्री बनाएगा जब यहाँ पे आईपी थ्री बनेगा तो ये आईपी थ्री किसके पास जाएगा यहां पर ये यह जो एग है इसके पास प्रेजेंट होता है ई ER, आर इसके पास जाएगा ई ER आर पे एक स्पेसिफिक चैनल प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं आईपी थ्री गेटेड कैल्शियम चैनल यानी कि ऐसे कैल्शियम चैनल जिसको किसने गेट कर रखा है आईपी थ्री ने गेट कर रखा है अब इसके थ्रू क्या होगा इसके थ्रू कैल्शियम्स जो है वो ई से बाहर निकलेंगे क्योंकि कैल्शियम का अमाउंट ई में ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है ई से कैल्शियम बाहर निकलेंगे अगर कैल्शियम बाहर निकलेंगे तो इनका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा कहां पे इनका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा एके साइटोप्लाज्म में इनका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा एक बार एक के साइटोप्लाज्म में इनका अमाउंट इंक्रीज हो गया ना तो अब होता है क्या है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना इसके अराउंड कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट प्रेजेंट होंगे ये इनका नाम क्या होता है इनका नाम होता है कॉर्टिकल ग्रान्यूल्स ये स्पेशल ग्रेन्यूल्स है जिनका नाम होता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एग के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास प्रेजेंट होती है सी और चीन में लगभग पंद्रह हजार प्रेजेंट होती है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एक एग के पास जिनका डायामीटर होता है वन म्यूएम एम अब ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है ना ये बहुत चीजें स्टोर करके रखती है जो कि इस पॉलिसमी को रोकने में मदद करेगा यहां पर होगा क्या जब ये कैल्शियम आ जाता है ना बाहर तो कैल्शियम क्या करवा देगा कैल्शियम इनको फ्यूज करवा देगा कैल्शियम इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को क्या करवा देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवा देगा तो यहां पर क्या हुआ कैल्शियम फ्यूजेस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विध प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा जैसे कि मैं आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करके दिखा देती हूँ इतना पार्ट समझे यहाँ पे हो चुका है तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं वो अपना कंटेंट रिलीज कर है कहाँ रिलीज कर है विटलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में तो इसकी वजह से क्या हो गया जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का कंटेंट था वो कहाँ पे प्रेजेंट है बिटवीन विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब ये जो कंटेंट है ना इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें प्रेजेंट होती है सबसे पहली अगर मैं यहां पर चीज का नाम बताऊं तो वो होती है protease. Protease, नाम से आप पता चल गए आपको पता चल गया कि क्या है एंजाइम है तो ये तो भाई एंजाइम है पक्का एंजाइम है तो ये जो एंजाइम होता है ना ये दो चीजें करता है सबसे पहले ये क्या करेगा ई वन को क्लिप ऑफ कर देगा EBR1 को क्लिप ऑफ करने का रीजन क्यों है समझे यहाँ पे और EBR प्रेजेंट है समझो इस तरीके से यहाँ पे और EBR EBR प्रेजेंट है तो जितने भी स्पोम्स होंगे ना वो इस EBR के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और इन्हीं के थ्रू इनको एंट्री मिलेगी लेकिन एक बार अगर सेरीन प्रोटीएज ने इनको क्लिप ऑफ ही कर दिया एक बार सेरीन प्रोटीएज ने अगर इनको रिमूव ही कर दिया तो यहाँ पर ना रहेगा EBR1 वन ना रहेगा स्पॉम अटैच कैसे होगा फिर स्पॉम किसी से तो ये क्या करते हैं EBR1 वन को क्लिप ऑफ कर देते हैं और EBR1 वन प्रेजेंट का है विटेलाइन मेम्ब्रेन तो इसी के साथ साथ ये एक और चीज करते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना जो कनेक्ट करते हैं किसको कनेक्ट करेंगे जो कनेक्ट करते हैं ईबी e सॉरी uh, जो कनेक्ट करेंगे विटेलाइन मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ उनको भी कट कर देते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं किसको विटेलाइन मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ उनको भी ये कट कर देंगे समझो यहां पर इस तरीके से प्रोटीन्स है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहां पर इस सेरीन प्रोटीएस ने क्या किया सेरीन प्रोटीएस ने इन प्रोटीन्स को भी कट कर दिया कट करने का रीजन ये है कि विटेलाइन मेम्ब्रेन पे ईबीआर वन प्रेजेंट है तो क्यों ना विटेलाइन मेम्ब्रेन को आप दूर कर दो थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो स्पॉम एंटर ही नहीं हो पाएगा तो यहां पर क्या हुआ यहां पर सबसे पहली चीज थी सेन प्रोटीएस ने जिसने यहाँ पे ई को भी हटा दिया और विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन जो तो उनको जोड़ रहे थे वो भी उसने हटा दिए जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा जिसकी वजह से यहाँ पे पॉलिसफॉर्मी रुकेगी यहीं पे ही रुकता नहीं है ये जो मेथड है वो यहीं पे रुकेगा नहीं यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि क्या क्या होंगे आइए हम देखते हैं तो इस तरीके से अभी हमारे पास ऐसी कुछ तो कंडीशन प्रेजेंट है यहाँ पर अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि जो विटलाइन मेम्ब्रेन है ये इस तरीके से थोड़ी सी दूर हो गई है यहाँ पर इस तरीके से एक स्पॉम तो ऑलरेडी आया ही हुआ है। इस तरीके से कुछ तो कंडीशन है यहाँ पे क्या हुआ था इस तरीके से वन जस्ट सेकेंड यहाँ पर इस तरीके से ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं ये रिलीज हो गए हो चारों तरफ ही गए होंगे लेकिन फिलहाल हम एक ही तरफ दिखा रहे हैं अब यहां पर हुआ क्या जाता है यहां पर जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का कंटेंट है ना वो किसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगा वो विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा और विटेलाइन मेम्ब्रेन को और स्ट्रोंगर बना देगा तो यहां पर होगा क्या यहां पर सेकेंड ये होगा कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का जो कंटेंट है उसने क्या किया है फ्यूज कर लिया है विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ इन्होंने फ्यूज कर लिया है जिसकी वजह से अब हम विटेलाइन में मेम्ब्रेन विटे नहीं कहेंगे इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इट विल बी नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड इस तरीके से ये बन जाता है इसको बनने में कितना टाइम लगता है लगभग 20 सेकेंड आफ्टर स्पर्म एंट्री ये शुरू होता है आफ्टर स्पर्म एंट्री ये प्रोसेस शुरू होगा और ये विद इन वन मिनट कंप्लीट भी हो जाएगा वन मिनट में ये प्रोसेस एंड भी हो जाएगा यानी कि यहाँ पे विटिलाइन मेम्ब्रेन जो है वो फर्टिलाइजेशन एनवलप में कन्वर्ट हो जाएगी तो सेकेंड चीज यहाँ पे ये होती है पहली क्या थी है सेरिन प्रोटीएस वाला पार्ट था नेक्स्ट चीज अगर हम यहाँ पे देखें यहां पर चीजें रुकती नहीं है यहां पर अब थर्ड स्टेज आएगी थर्ड स्टेज में हमारे पास वंस अगेन इस तरीके से मैं कह रही हूँ इस तरीके से यहाँ पे स्पॉर्म प्रेजेंट है यहाँ पर ये कहानी है यहां पर इस तरीके से सारी जगह कॉर्टिकल से अपना कंटेंट रिलीज कर रखा है यहां पर अब क्या बन चुकी है यहां पर इस तरीके से चारों तरफ बन चुकी है फर्टिलाइजेशन एनवेल्प इस तरीके से बन चुका है ये फर्टिलाइजेशन एनवलप अब यहाँ पे होगा क्या इस कॉर्टिकल ग्रान्युल्स के जो कंटेंट होता है इसमें एक और स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है ग्लूकोस अमाइनो ग्लाइकन ग्लूकोज अमाइनो नाम का मॉलिक्यूल है ये भी किसका होता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का कंटेंट ही है, ये भी उसी का ही कंटेंट होता है नाउ व्हाट इट विल डू ये एब्सॉर्ब कर सकता है आसपास से पानी को तो इट विल व्हाट इट विल डू इट विल एब्सॉर्ब वॉटर अगर ये एब्जॉर्ब करेगा H2O को तो ये क्या हो जाएगा इसकी वजह से ये स्वेल हो जाएगा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है अगर पानी को एब्सॉर्ब करेगा तो स्वेल हो जाएगा स्वेल होने की वजह से ये क्या करेगा और पुश करेगा फर्टिलाइजेशन एनवलप को या मेमब्रेन को बाहर की तरफ तो इसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा इसकी वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एनवलप जो है फर्टिलाइजेशन एनवलप क्या हो जाएगी एलिवेट हो जाएगी और मैं कह सकती हूँ कि क्या चली जाएगी और दूर चली जाएगी क्योंकि हमें कुछ भी ऐसे करके कुछ ऐसी स्थिति लानी है जिससे एंटर ना हो सके और हमें पता है की जो सबसे बड़ी एंट्री की वजह होती है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन ही होती है तो हमने उसको और दूर कर दिया क्या प्रोसेस यहीं पे ही रुक जाएगा नहीं अभी भी यहां पर एक और चीज चलेगी फिर से जैसे कि मैंने इस तरीके से कंडीशन बना ली ध्यान रखने का ध्यान रखना ये चीजें हो चारों तरफ ही रही है लेकिन हम फिलहाल मैं आपको एक ही तरफ आपको बना के दिखा रही हूं अब यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी इस तरीके से यहाँ पे स्पॉर्म तो ऐसे ही प्रेजेंट है उसने अपना कंटेंट अंदर भी डाल दिया न्यूक्लियस इस तरीके से उसने अंदर भी डाल दिया यहां पर इस तरीके से अब फर्टिलाइजेशन एनवलप जो है वो थोड़ी सी और दूर चली जाएगी इस तरीके से समझे वो थोड़ी सी और दूर चली गई अब यहां पर होगा क्या यहां पर ये यह जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की प्रीवियस प्रीवियस जो मेम्ब्रेन थी तो अब तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल फ्यूज हो चुका है प्लाज्मा के साथ लेकिन पहले जो उसकी मेम्ब्रेन थी ना उसके ऊपर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं यूडी यू एक्स वन कहा प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है फॉर्मर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की मेम्ब्रेन पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की मेमब्रेन पे प्रेजेंट होता है अब यहां पर ये जो यूडी यू एक्स वन है ये क्या करवाता है यहां पर ये प्रोडक्शन करवाएगा एच टू ओ टू का ये प्रोड्यूस करवाएगा एच टू ओ टू दैट इज हाइड्रोजन पोरोक्साइड की ये सिंथेसिस करवाता है यहां पर ये जो हाइड्रोजन पोरोक्साइड है इस पे एक्ट करने के लिए एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजेशन मेंब्रेन पे जिसको बोलते हैं ओ वो पी ओवो पी क्या करेगा इस H2O2 पे एक्ट करेगा इसका ब्रेक डाउन करेगा जिसकी वजह से ये वाला जो पूरी एनवल है या फिर हम बोल सकते हैं जो फर्टिलाइजेशन एनवल है इसको क्या बनाएगा और हार्डन करेगा ताकि जो स्पॉर्म है वो एंटर ना हो पाए। तो यहाँ पे UDUX1 एक्स वन ने एच टू ओ टू बनाया ओवो पी ने उस पर एक्ट किया ओवो पी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज प्रेजेंट होती है दैट इज ट्रांस ग्लूटामाइनेस और ये दोनों मिलके क्या करते हैं ये दोनों मिलके ये जो पूरा का पूरा एनवलप है इसको और हार्डन करेंगे ताकि यहाँ पे क्या ना आ सके स्पर्म ना आ सके तो ये वाला जो स्टेप है ये कौन सा स्टेप हो गया फोर्थ स्टेप क्या इसके बाद कहानी रुक जाएगी नहीं इसके बाद यहाँ पर एक और फिफ्थ होती है कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का एक और मॉलिक्यूल होता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के कंटेंट में एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं हाईलिन जिसको क्या बोलते हैं हाइली। ये क्या करेगा ये एग के अराउंड एक कोट बना लेगा जो कि क्या करेगा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इसका काम होगा एग को सपोर्ट करवाना ताकि एग जो है वो पानी के प्रेशर में ब्रेक ना हो क्योंकि ये सारी चीजें पानी में चल रही है तो यहां पर इस तरीके से ये क्या कर लेगा इस तरीके से यहां पर ये एक एग के अराउंड कोट बना लेगा किसने बना लिया हाई लीण. तो टोटल तो 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 पांच स्टेप में चीजें यहां पे चली है फिर से अगर हम देखें सबसे पहले यहाँ पे EBR एक्टिवेट हुआ था जिसने टीके को एक्टिवेट कराया था जी प्रोटीन के थ्रू आईपी थ्री बना था कैल्शियम बाहर आया था और कॉर्टिकल ग्रान्यो से अपना कंटेंट रिलीज किया था इसके रिलीज करने की वजह से यहाँ पे पांच चीजें बनी थी सबसे पहले यहाँ पे सेरिन प्रोटीएस का रोल आया था जिसने दो चीजें की थी प्रोटीएस ने दो चीजें की थी एक तो इसने क्लिप ऑफ कर दिया था किसको क्लिप ऑफ कर दिया था ई बी आर वन को क्लिप ऑफ कर दिया था उसी के साथ साथ इसने यहाँ पे प्रोटीन जो कि कनेक्ट कर रहा था किस किस को विटेलाइन मेम्ब्रेन को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसको भी इसने ब्रेक कर दिया तो पहली यहां पे ये यह चीज हुई थी सेकेंड चीज अगर हम यहाँ पर देखिए तो सेकेंड चार्ट में ये हुआ था कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ने जो कंटेंट था उसका वो फ्यूज हो गया था किस किस का कंटेंट फ्यूज हो गया था कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का कंटेंट और उसी के साथ साथ विटेलाइन मेम्ब्रेन जिसकी वजह से यहां पर क्या बन गया था फर्टिलाइजेशन एनवलप बन गया था तो सेकेंड स्टेप ये था अगर हम यहाँ पे थर्ड स्टेप पे जाए, तो स्टेप में यहाँ पे किसका रोल आया था ग्लूकोज स्वेल करके कैसे स्वेल किया था H2O के साथ करके स्वेल हुआ था और इसने फर्टिलाइजेशन फो, एनवलप को और पीछे भेज दिया था फोर्थ स्टेप में यहाँ पर किसका रोल आया था यू डी यू एक्स वन का आया था जिसने यहाँ पर क्या बनवाया जिसने यहां पे एच टू ओ टू बनवाया जिसपे कौन एक्ट हुआ, एक्ट हुआ प्लस एक्ट हुआ, जिसकी से हार्ड नहीं हुई और फिफ्थ में यहां पे रोल आया हाई लीन का तो इस तरीके से ये सारे मिलके स्लो ब्लॉक पॉलिसी करेंगे ये सारी चीजें मिलेंगी और स्लो ब्लॉक पॉलिसी में एक्ट करेंगे और पहले जो चीज थी वो फास्ट ब्लॉक पॉलिसी थी सो आई होप का